ओ तुमने तुम ऐसे करो, मैंने कहा था ना जो प्यार से जाना, क्या कर रही है तू? इतनी खूबसूरत लड़की है, मेरी किस निकल जाएगी फिर? तो, ये क्या हो रहा है? ओए चंदू, ये क्या? ये एक शो है कपिल शर्मा। मैडम प्लीज स्टे, उनसे बात करो, छोटे लोगों से बात करो। अक्षय बाजी, सॉरी मुझे पता नहीं था, अक्षय बाजी के लिए जोरदार तालियां। कपूर शर्मा जो मुजरिम है उसके लिए जोरदार तालियां प्लीज। अच्छा ये कौन है ये दोनों? फिरंगी लड़कियां, क्योंकि मेरी फिल्म आ रही है फिरंगी, उस हिसाब से। तो इसके ये पुलिस को लेके आए? आपने भेजी थी पुलिस मेरे को लेने के लिए। ये देखिए शो का हाल, इधर लिखा है US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स, ये तो पुलिस है। मतलब हद होती है, फिरंगी 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 के चक्कर में ये इंसान पागल हो चुका है। चलिए आप कटघरे में खड़े होइए। एक बात बताओ अक्षय भाई, आपने पढ़ लिया ना कस्टम, मेरा तो मुंह से ध्यान कहीं और गया नहीं, मैं तो फेस देख रहा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की बैच क्यों देख रहे हो? मैं बैच सब देखता हूँ। आप एक काम कर, मैम यू ऑल कैन गो प्लीज। मैं छोड़ कर रहा हूँ। हाँ छोड़ बेटा, घर तक छोड़ना। तेरी बहन मायके आई है, तू छोड़े इधर बैठ, अपना काम कर। छोड़ के आता हूँ, खबर लेनी पूरी इसमें। इसे कहते हैं जलन। आइए आप कटघरे में आइए। इंग्लिश में जेलसी। ओए पिंपल जैसा तेरा मुंह, जेलसी। मिलोट जेलसी, मुझे कटघरे में क्यों बुलाया? पेंट भी नहीं सूखा मिलोट कटघरे का, और आपने मुझे कटघरे में बुला लिया। चलिए सो पहला इल्जाम, जज साहब ऑर्डर ऑर्डर। अबे पहला इल्जाम सुन ले, बड़ो बड़ो। तो पहला इल्जाम कप्पू शर्मा पे ये है कि बड़े बड़े एक्टर आते हैं यहाँ प्रमोट करने के लिए अपनी फिल्म, और उन सब के बीच में आप अपनी फिल्म के बारे में जरूर एक बीच में कोई बात डाल देते। मतलब अभी क्या जरूरत थी फिरंगी फिरंगी बोलते हुए आए हो आप? फिरंगी से ज्यादा बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, 100 साल पहले की कहानी है, बहुत अच्छा सेटअप है। अच्छा अच्छा अक्षय भाजी एक बात बताइए, अक्षय बाजी की फिल्म आ रही है, इनकी आती रहती है, एक्चुअली इन्हीं की आती है फिल्में, तो यही करने आए हम, तो दुनिया में हार्ट अटैक का वेट कर रहे हैं। अब आप आए हो हमारे शो पे फिल्म का प्रमोशन करने? जी आए हैं। और हमारी फिल्म आ रही तो हम कहाँ प्रमोशन करें अपनी फिल्म की अगर हमने बनाई? अरे तो तू तो रोज ही शो करता है, तू रोज बोलेगा फिरंगी फिरंगी, पागल हो जाएगा। आधी फिल्म खत्म नहीं हुई है, लोगों को बता दे हम अपनी फिल्म जब खत्म होती है तब लाते हैं, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बोलता है कि इसकी शादी करा दो, ये लड़की है इससे कर लो। अरे पहले परवरिश तो कर ले। आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि फिरंगी बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। मैं थक गया हूं इस आदमी से। सर आप पकड़ लीजिए अब फिरंगी बोल। जज साहब ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब मैं चाहता हूं कि आप कुछ बोलें आज के बाद। क्या अच्छा जा रहा है बेटा शो? यहाँ कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है जो बोल सके कि इसको कि ये गलत कर रहा है, हर प्रमोशन के अंदर अपनी फिल्म ना जोड़े। ये बोले तो सही जज साहब, मैं शो से ना निकाल दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड। नोट कर लिए, 3-4 पॉइंट हो गए। एक मिनट ये क्या कर रहा है तू टाइप? अक्षय भाजी आपको पता है आप आयो ना आपके चक्कर में ये ऐसे से टाइप कर रहा है, नहीं तो इसकी उंगलियां हमेशा ऐसे से रहती भाई साहब। आज पहली बार इसने टाइपराइटर देखा है। ये लोग किसी काम के नहीं है, काम के वही लोग हैं जो फिरंगी में काम कर रहे हैं ना मेरे साथ। ऑर्डर ऑर्डर। अक्षय पाजी आपको किसने भड़काया? मैं तो दूसरा इल्जाम ढूंढ रहा हूँ। वैसे जॉली एलएलबी का पहला इल्जाम अदालत मंजूर करती है। तो क्या कोई पनिशमेंट तो सुनाओ? आज के बाद फिरंगी की बात नहीं की जाए। आज के बाद याद रखना ये वाकई में सीरियस चीज है। आप वकीलों के गुंडे हो, ऐसे कौन डराता है? ऐसे मतलब हमें दिया गया, हमें जज ने दिया है, जज ने नहीं तूने दिया ना? हाँ जी जज ने मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया। जज ने उन्हें दिया, उन्होंने मुझे दिया। एक मिनट, अब दूसरा इल्जाम मिल गया। दूसरा इल्जाम ये है कि ये आदमी आधी रात के बाद ट्वीट करता है, जिससे कईयों की नींद खराब हो जाती है। ये मुझे आप बताइए, ये आधी रात खत्म होने के बाद ये क्या सोचती है आपको ट्वीट के बारे में? अब नहीं करता, पहले पहले बातें वो तो।
ऐसा क्या होता है आधी रात को आपको कि आप ट्वीट करना शुरू करते हो, आप अंग्रेजी में ट्वीट करते हो, जो लैंग्वेज की आपको हल्की सी भी समझ ना, वो लैंग्वेज में आप ट्वीट करते हो। मैंने आपके हर प्रोग्राम देखे हैं, सब में आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, रात को ट्वीट करते हो अंग्रेजी में, लोगों को डराते हो। मैं भ्रष्ट लोगों को डराता हूं। कैसे? ट्वीट करके। तो मिलोर्ड, ऑर्डर ऑर्डर। ये आदमी पानी पीने के बाद ट्वीट करता है, सारा दिन पानी नहीं पीता, रात को पानी सोडा मिला के पीता है। पॉइंट टू बी नोटेड। मिलोर्ड, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं पिछले 4 महीने से मिस्टर अक्षय कुमार को फॉलो कर रहा हूँ। 4 बजे उठता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ। फॉलो कर रहा है? मुझे पता था अच्छी बात पे कोई नहीं लाफ्टर आएगा। तो आपको लगता है ये सच बोल रहा है, 4 बजे उठता होगा ये आदमी? नहीं 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 सर। वकील साहब, एक इजाजत चाहूंगा, ये थोड़ा 2 मिनट के लिए उसके मुंह पे मारना चाहूंगा मैं। तुम बीच में क्यों रोक रहे हो? 4 बजे उठते हैं, बाथरूम करके फिर सो जाते हैं। मुझे पक्का यकीन था कि तू 4 बजे नहीं उठ सकता। मिलोर्ड, आज की ट्वीट चेक की जाए, 6 बजे मैं जिम में था मॉर्निंग में। तूने फोटो क्यों नहीं डाली? तूने ऐसे ट्वीट कर दिया, हाँ भाई मैं जिम में हूँ। ये तो हो भी सकता है तेरे पास डिजिटल आदमी भी हो। हाँ, तेरा एक इनमें से ही कोई ड्राइवर में से कर दिया होगा किसी ने, हाँ जो गाड़ियाँ चलाते हैं। अच्छा चलो, अब आप अपनी तमन्ना पूरी कर लो, 2 मार के आ जाओ। वो तो चलो अक्षय कुमार, तेरी हिम्मत कैसे हुई है? यार मेरी क्या बोल रहा था? मेरी बात सुनो, अपना वकील साहब के सामने ऐसी बातें नहीं करने। आपको कोर्ट की तोहीन कर रहे हो आप। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की तोहीन तो तूने की, कोट पहन के तेरे को सूट करता है ये? चल बैठ। जज साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? ऑर्डर ऑर्डर। मुलजिम कटघरे में वापस आ जाए। जज साहब मेरी बात सुनिए, शाम को आपको असली रूप में अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाना, पापा बन के। ज्यादा नहीं बोलना आपने। आजा बेटा आजा। चले लाइए। तो मिलोर्ड, यस, जनता जानने चाहेगी कि जो इल्जाम हमने इन पे लगाया है, आपका फैसला क्या है? आपको पता ही नहीं होगा क्या इल्जाम लगा। आ जाओ, आ जाओ डॉक्टर साहब, ऊपर आ जाओ। व्हाट अ जॉली जॉली डे। एक्सक्यूज मी जस्ट अ सेकंड, गर्ल्स यू हैड अ गुड टाइम? Okay, listen, listen, girls. Hello, toda glucose pio. Yeah. Have a good time. Yeah. These are girls, my girls. How are you, man? Yeah. This is Dr. Mishir Gulati, LLB. LLB matlab? Lady Lovers Bachelor. अगर आप लोगों का सबका खत्म हो गया हो तो शो को आगे बढ़ाएं। जी हाँ। शो कैसे आगे बढ़ेगा? चलो पहले आप बोल लो, पहले अपनी भड़ास निकाल लो जो सीख साख के आए हो। मुलजिम गुलाटी, आजर आजर। आपने लोगों का ऑपरेशन किया जी, आपने लोगों के किडनी में सुरंग बनाई, कह सकते हैं। आपने लोगों को ये भी कहा है कि ये दुबई जाने का रास्ता है। I was a travel agent in between, yeah. आपको महसूस नहीं होता कि आप लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं? इनको महसूस होता नहीं, इनको एनेस्थीसिया दिया हुआ परमानेंट भगवान ने, इनको कुछ लगता ही नहीं है। अरे भगवान ने इनको कांटेक्ट करके बताया स्पेशली ये बात कि मैं एनेस्थीसिया दे रहा हूँ, नॉलेज तेरे को होनी चाहिए। या आप लोगों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ देते हो, आप लोगों के अंदर सुरंग बनाते हो, क्या ये बात गलत नहीं है? सुरंग बनाना कैसे गलत है बताइए? लोगों के शरीर में सुरंग बना सकते हैं। As a doctor, sometimes we have to do that. Okay. Okay. तो आज सबके सामने हम इनके अंदर सुरंग बनाएंगे। You want to do couple dance? Couple dance? पकड़ गए इसके पैर। सर, डांस सुनो, डांस सुनो। एक मिनट,
मुझे तो आपके ऊपर शक हो रहा है कि आप असली अक्षय कुमार है कि नकली अक्षय कुमार है। असली हूँ मैं, ऑडियंस मैं असली हूँ कि नहीं, ये नकली है कि नहीं, ये सुरंग बनाई कि नहीं। एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। कौन से फर्ज? कि मुझे पहले चेक करना है कि आप असली अक्षय कुमार हैं कि नहीं हैं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको मौका दूंगा, वरना फिर आप मौका तो ले ही लेंगे अपने आप। आपकी मर्जी है। वकील साहब मेरी आपसे गुजारिश है, क्या हम सब मिलजुल के अपना इतना स्क्रिप्ट बनाते हैं, आप आके हमारी सारा ऐसी की तैसी कर देते हैं, क्यों? बिल्कुल सही सवाल है, मैं ऐसी की तैसी करता हूँ। ये स्क्रिप्ट कब देते हैं? बोलते हैं सुबह आओ, बस से निकलते हैं, कहते हैं ये लो जी स्क्रिप्ट। देखिए आप दोनों की जो अदालत में बहस चल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे हैमक पे नहीं लेटा हुआ। और अगर आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना नहीं, हमारी टीम को एक हफ्ता पहले अपने घर पे क्यों बुलाते हैं आप? एक हफ्ता पहले मैंने बुलाया था, कौन सी स्क्रिप्ट देके गई वो? बात की मुझसे उसने, तू उधर ही रहना। मैं तो जा भी नहीं सकता जी, आपने लॉक किया हुआ है। You have a put a lock yes, on me. Yes, I have. But I want to I am also test. A martial art expert. On second thought for Surang, I don't need this. Okay, listen, sir. Listen to me. I want to do your test if you are Akshay Kumar not. I am a doctor, warna mere mera hospital. Mere badi si choti si bachi hai. Okay. Chaliye, aap puchhe. Well, mujhe aap nakli Akshay. Giriyo mat hoye. एक मिनट। अच्छा नकाब बनाया है, जर्मनी में बनाया है नकाब। ओके कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका भी है ये मनवाने का आपसे कि आप अक्षय कुमार हैं कि नहीं। ये रहा दूसरा, ये रहा तरीका, आप अक्षय कुमार हैं कि नहीं। सच लाओ मैं बताता हूँ, लाओ मैं बताता हूँ। नहीं इसमें क्या है? चलो वकील साहब मेरी गुजारिश है आपसे, आपकी साल में आधा दर्जन फिल्में आती है, हमारा एक ही शो है। हाँ हमारी प्रॉपर्टी भी तोड़ते जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी लाके कौन देता है? मुझे खास बोला गया सर वो चीजें वहां पड़ी हैं, वो चीजें वहां पड़ी हैं, ये चीजें यहाँ पड़ी हैं। हम होमवर्क करते हैं, आप आगे सारा खराब कर देते हो। मैं तो खराब करता हूँ? नहीं ठीक करते हो आप। खत्म हो गया आपका? ये तो जोड़ तोड़ के इन्होंने ठीक किया ना वो। और क्या? और तो बातें थी दिल में, बट कोई मौका आया नहीं अभी तक। एक मिनट, और कोई प्रश्न है? और इस पे कोई और इल्जाम है? हाँ। तेरे पे इल्जाम है कि तेरी बीवी तुझे छोड़कर भाग गई। ये गलत बात है, मैं एक जर्मन डॉक्टर है, आप चाहें तो ये देखिए ISO 9002 का डॉक्टर है मैं। ऐसे कोई किसी को बीवी छोड़कर नहीं भाग गई वो। हाँ कुछ हुआ था। क्या हरकत थी? द नेशन वॉन्ट्स टू नो। दूध का दूध पानी का पानी होकर रहेगा। दूध का मैं कहता हूँ पनीर बना लो, पानी की चाय बना लो, बेटर है। लेकिन देखिए इस शो में वकील साहब मेरी बात सुनिए जल्दी जी, आप बार बार गिर रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि ये गिरा हुआ इंसान है। यस गिरा हुआ था नहीं, आपने मुक्का मार के गिराया है। सोनी साहब प्लीज ध्यान दिया जाए, ऐसे फिल्म स्टार मुक्के मार मार के हमारा आर्टिस्ट को मार देंगे, हम शो कैसे करेंगे? आपका आज तक शो रुका है? बताओ आज तक आपका शो रुका है? कई लोगों ने कोशिश कर ली आपका शो रोकने की, कभी रोक पाए? बल्कि मैं तो कहूंगा इन लोगों ने खुद रोका है एक बार ही। खुद रोका है? क्यों? नेशन वांट्स टू नो। आखिरी एपिसोड आप ही बंद करवा के गए थे दूसरे किसी और टीवी पे। बंद करवा के गया था ताकि आपकी शुरुआत अच्छी हो। वाह Yes! तो आपकी शुरुआत अच्छी हुई कि नहीं? बहुत ज्यादा। वकील साहब इनको लाइव ऑपरेशन करवा के देखा जाए कि ये सही डॉक्टर हैं कि नहीं है, लाइव पेशेंट मंगवाया जाए। हाँ चलिए भाई परफॉर्म करिए। चलिए आज इनका मैं बताऊंगा पेट में क्या क्या है, उसमें क्या है, आप पूछिए मुझे सब कुछ पता है। ये क्या है? अरे ये तो वो फेमस मॉडल है ना जो तम्बाकू के पैकेटों के ऊपर छपा होता है।
ये किस काम आता है ये बताइए। मॉडल है, मॉडलिंग के काम आता है। इसको कहते क्या है? फेफड़ा है ये। अच्छा, ये गुजराती आइटम है, ढोकला फेफड़ा। अच्छा, ओ ये देखिए नकली डॉक्टर, पेट में टांग क्यों लगाई हुई है? यार ये आया था मेरे पास, कहता मेरा पेट ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा पांव लगा देता हूँ, बहुत अच्छा चलेगा। पेट में मैंने टांग फिट कर दिया है। ये क्या? ये मैंने इसको टाइम पे दवाई दी है, टाइम पे दवाई। ये अदालत डॉक्टर गुलाटी को बिना रुके 50 गुलाटी मारने की सजा सुनाती है। तो साबित हो गया कि ये डॉक्टर फर्जी है। ये जज कौन सा जेन्युइन है? ये भी तो फर्जी है, फर्जी आदमी बैठा हुआ अंदर। कोई नहीं। हाँ जी बताया, आपने बुलाया। हाँ जी, आपने गुलाटी मारनी है, इन्होंने जो सजा दी आपको। हमारे खानदान में 16 गुलाटी हैं, 50 तो है ही नहीं, फिर मैं 50 को कैसे मारूंगा ना। वकील साहब, आपको बाई हैंड इनको अगर सजा देनी तो आप पीट सकते हैं, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन लेके नहीं जाएंगे। अरे मेरी बात सुनो वकील साहब, ये देखिए डॉक्टर साहब की असलियत, रात को ऑर्केस्ट्रा में डांसर बन के नाचते हैं ये। ये डॉक्टर, ये डॉक्टर, ये डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप पढ़ी लिखी चुड़ैल लग रहे हैं, मतलब तो दे दो मेरे को बीए की डिग्री, दे दो फिर। But I must say, Mr. Akshay Kumar, as a doctor, I feel कि आपने आज अदालत में इतनी क्विकली केस सॉल्व कर दिया। मैंने वही ऑर्डर फॉलो किया जो पब्लिक ने कहा मारो, और अगर पब्लिक कहे मारो सो मारो। एक सेकंड। अरे ये क्या पब्लिक कह रही, घसीटो। ओ घसीटो, सॉरी, नीचे लेटो, घसीटो। गलत बात है, पब्लिक कह रही छाती पे चढ़ के ऐसे ऐसे उछलो, ऐसे थोड़ी होता है। सॉरी, एक मिनट, ये पब्लिक तुमको आके कह रही है, ये यहाँ पे हिंट दे दे उनको तुम। पब्लिक कह रही फ्रॉक भी फाड़ दो, ऐसे थोड़ी होता है। पाजी पाजी ये पब्लिक कह रही है गीला भी कर दो। और क्या चाहिए पाजी? अच्छा मेरे को अभी भी किसी ने कहा ये भी इसके मुंह पर फेंक दो। और क्या चाहिए? यार ये कैसी ऑडियंस लेके आया? वो बोल रही है, वो औरत बोल रही है तोड़ो। एक मिनट, आप हमारे शो को पसंद करती हैं? मैं पूछता हूँ। नहीं, आप कह रही हैं तोड़ें, वो आप क्यों कह रही हैं? नहीं, उन्होंने कहा ना कि और क्या कह रहे, तो हमने कहा तोड़ो और तोड़ो। मैं सोच रहा हूँ जो दूसरों के आदमी तोड़ने की बात कर रही है, अपने आदमी का क्या करती होंगी। जगदीश जी, Mishra saab, good luck for the film and a lot of people are going to enjoy it. I wish a great success. Well, thank you. Thank As you a doctor, very much. I take your leave, everyone. Bye-bye. See you soon. See you. You. Good luck. See you. Yeah, my friends, I'm just... See you soon. So, ab... कपिल भैया, अब ये अब तेरा केस है। जज साहब अगली तारीख दे दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत 15 मिनट तक के लिए मुलतवी की जाती है। 15 मिनट क्यों? जज को बाथरूम भी आता है भाई। और वैसे भी अक्षय तेरी फिल्म आ रही है, हमें तो शो भी तो चलाना है ना, तो अक्षय बनकर बैठ, ये तेरा इंटरव्यू करेगा। मैं आती हूँ। और चंदू तू किधर जा रहा है? क्यों, चाय वाले को बाथरूम नहीं आ सकता? अक्षय पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार।
अजी वैसे इस साल कितनी फिल्में करने का टारगेट है? अभी तो साल शुरू हुआ है। सामने तो आप मेरे, 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 मेरी फेसिंग ना होए। ये मार्क दे रखा है हरा कलर का, इन्होंने दे रखा है। आओ इधर आओ। हाँ जी बोलो। अजी हमने एक्चुअली अपने हिसाब से अपने कैलेंडर में 12 एपिसोड तो आपके पक्के सोच रखे होते हैं। तो अभी मतलब हर बार आप फिल्म में कुछ ना कुछ नया लेके आते हो। रुस्तम देखी सर, बड़ा मजा आया देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार ये जो आप जॉली LLB आप 2 कर रहे हैं, इसमें आपको क्या एक्साइटिंग लगा बाजी? ट्रेलर बड़ा मजेदार, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने मिला इंडियन जुडिशरी के बारे में। ओके हम बोल तो देते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, केस 12 साल 14 साल चल रहे हैं, लेकिन क्या ऑडियंस को पता है कि ऐसा होता क्यों है, कि इतना साल लगता क्यों है? डू नो हमारे यहाँ करीबन 3.5 करोड़ केसेस जो हैं पेंडिंग हैं। क्यों पेंडिंग है? क्योंकि हमारे पास जजेस की कमी है। तो हमारा हाल सोच लीजिए जुडिशरी का, कि क्या हाल है। वी नीड मोर जजेस। सो यही एक ऐसी एक फिल्म है जो मुझे मिली, जुडिशरी पे है, 2-3 केसेस पे है, रियल केसेस हैं, और कैसे जुडिशरी चलती है, कैसे कैसे चीज़ें होती है। सो यही कहानी है जॉली LLB के ऊपर। मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बात आप शेयर करें, जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स में लोग आते हैं, जब जीत के लाते कोई मेडल, हमारी गवर्नमेंट उनको जो प्रोत्साहन देती है, उनको कैश प्राइज मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ज़मीनें मिलती हैं, लेकिन जब बॉर्डर पे एक सोल्जर जो है अपने देश के लिए जान गंवा देता है, उसके परिवार को उतना नहीं मिलता है। लेकिन अक्षय पाजी एक नया ऐप जो है लॉन्च करने की कोशिश में है। एज अ सिविलियन हमारा फर्ज बनता है, हम कुछ उनके लिए करें। देखिए मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मुझे अगर कुछ पैसे देने हो एज अ सिविलियन, तो मैं, मेरे लिए बड़ा आसान है ये पता करना कि उस शहीद के माँ या बाप या बीवी का अकाउंट नंबर पता कर लूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे एक मित्र ने कहा कि यार हम भी पैसा देना चाहते हैं, हमें कैसा पता चलेगा। सो दैट मेड मी स्ट्राइक कि देर आर लॉट ऑफ सिविलियंस जो शहीदों की मदद करना चाहते हैं। कोई 100 रुपये देना चाहता है, कोई 1,000 रुपये देना चाहता है, कोई 1,00,000 रुपये देना चाहता है, अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर रहता है। देखिए बैठे बैठे फ़ोन पे बैठे हैं, आप चाहते हैं कि 100 रुपये दें, तो आप उनके अकाउंट में 100 रुपये डालते हैं या 1,000 रुपये डालते हैं। वो उनके अकाउंट में जाता है, उनको पता चलता है फला फला इंसान ने मेरे पास अकाउंट में 1,000 रुपये दिए। वो वहाँ से अपने अकाउंट से लिखती है थैंक यू, धन्यवाद, आपको मिलता है, यू फील नाइस। और ऐसे ही सोचिए कि हम कितने लोग हैं, 1.25 बिलियन पीपल इन इंडिया, हम में से अगर 15,000 लोग भी 100-100 रुपये भी दे दे, तो एक शहीद को 15,00,000 रुपये घर पे मिल जाएंगे। और ऐसा है कि वो 15,00,000 मिलने के बाद वो नाम वो ऐप से हटा दिया जाएगा, फिर कोई दूसरा शहीद होगा उसका नाम आएगा। इससे फायदा ये होगा कि हर वो सोल्जर जो बॉर्डर पे है, जो किसी टेररिस्ट से लड़ रहा है, उसको यकीन ये बात का होगा कि मेरे हाथ में बंदूक है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी पूरी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की वो मेरे साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। बाजी बहुत नेक काम है ये, और बहुत ही अच्छी सोच है ये, बहुत बढ़िया बाजी। थैंक यू। ट्रेलर में आपने कहा कि मैंने कॉलेज में किसी को एक पंच मारा था, 22 दिन तक नहीं उठा आदमी। ऐसे पूछता हूँ बाजी, आपने कभी रियल लाइफ में मारा किसी को मुक्का? मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को मारा जो सोच रहे हैं आप, गिन रहे हैं बंदे। किसको नहीं मारा? ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा, ये भी मेरे स्कूल कॉलेज से। कौन कौन से आपके दोस्त? आप अपने दोस्त से इंस्पायर नहीं होते? फिट क्यों नहीं होते आप? पेट कितना बाहर निकाल रखा भाई साहब आपने। आज शर्म आएगी, मैं बोल के इन दोनों को थक गया हूँ। मैं साल में 8 बार मिलता हूँ अक्षय भाई। पहले ये यहाँ तक तोन थी, पहले कपिल चाचा लगते थे, अब कपिल जी लगते हैं। सर आप अक्षय पाजी के कॉलेज के दोस्त हैं कि स्कूल के? हम स्कूल के दोस्त हैं। सर एक बात बताइए, जब स्कूल में आप साथ में पढ़ते थे तो तब भी अक्षय पाजी गेट से एंट्री करते थे कि कूद कूद के आते थे कहीं? नहीं, बहुत मस्ती करता था ये स्कूल में, इनके अच्छा। किस्से बहुत ज्यादा हैं। कोई एक किस्सा बताओ जो वेजिटेरियन जैसे अभी ये फिल्मों में अपनी हीरोइन को ऐसे पकड़ पकड़ घुमाते हैं,
नहीं सर, इसमें इनका एक किस्सा ये था कि जैसे स्कूल में एक रूल हुआ करता था, जैसे रिमार्क्स मिलते हैं साइंड नहीं है तो घर भेज दिया करते थे जी, तो ये जानबूझ के साइन नहीं लिया करते थे ताकि हम बाहर घूम के मस्ती कर सके। ये किस्सा सुनाया लोगों को। आपने कहा वेजिटेरियन सुनाइए, उसको पूछो कितनी बार फेल हुआ है। कितनी बार फेल हुए आप? मैं एक बार हुआ हूँ। तो आप भी सर हुए कभी फेल? वैसे सिर्फ दो बार। पाजी आपके ऐसे दोस्त हैं स्कूल में फेल हो रहे हैं? उनको उनको क्या पूछ रहे, मैं खुद दो बार हुआ। क्या हो जाता कभी कोई क्लास में ये आगे चला जाता था तो वी यूज्ड टू मिस ईच अदर, तो फिर ये फेल हो जाता था, फिर मैं आ जाता था आगे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। Hello, Jolly G. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm very fine. Myself, teacher with... Oh! Thank you. Myself, teacher Vidyavati. And इस कोच में कोच पहनकर बहुत आग लगा रहे हैं, सुना मैंने? अगर ये आदत है, थोड़ी बहुत आग लग जाए तो क्या प्रॉब्लम है? बस आपको एक बात बता दूं। जी बताएं। आपका एक डायलॉग मेरे पे बहुत सूट करता है। कौन सा? जो मैं लिखाती हूँ वो मैं पढ़ाती हूँ, और जो मैं नहीं लिखाती वो तो मैं डेफिनेटली पढ़ाती हूँ। अक्षय भाई, लोग मुंबई में आके करियर बनाते हैं स्ट्रगल करके, इन्होंने बहुत मेहनत करके जूड़ा बनाया है। कपिल शर्मा, अगर आपने ज्यादा बोला तो मैं इससे ना इस हथौड़े से ऐसे ऐसे ऑर्डर कर दूंगी, सबको लगेगा छुट्टी होगी, सब चले जाएंगे, फिर आप अकेले शो करते रहना। देखिए आपको जो भी बोलना है आप कटघरे में आके बोलिए, यहाँ पे अदालत लगी हुई है। एक लेडी कच्चे में अच्छी नहीं लगती। क्या? एक लेडी कच्चे में अच्छी नहीं लगती है। कटघरे में। ओके, माय बैड। ओके। जो भी आपने कहना फटाफट करिए, 10:30 के बाद सीआईडी वालों को भी आना। चलिए। वकील साहब। इतना मेलोड्रामा क्यों, क्या हुआ? आराम से अपनी बात कहें। वकील साहब। जी। भगवान ने अच्छे खासे लड़के बनाए थे, लेकिन इस इंसान ने उन्हें लड़की बना दिया। आपको पता है उस वजह से लोग मुझ पे भी शक करते हैं। इसकी वजह से मैं आज तक सिंगल रह गई हूँ। सिंगल तो रहेगी ना अक्षय बाजी, कोई भी बॉयफ्रेंड बनाती है उसको जाके कहती 79 का पहाड़ा सुनाओ, तो आदमी क्यों रहेगा आपके साथ? मैं और नहीं जवाब देता तो अपने बॉयफ्रेंड को मुर्गा बना देती है। हाँ, तो बॉयफ्रेंड को मुर्गा बनाऊंगी, मुर्गे को बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती मैं। और वैसे भी अगर मैंने मुर्गा वाला बॉयफ्रेंड बना भी लिया तो मेरे बच्चे नहीं होंगे, उससे शादी के बाद हमारे चूजे होंगे, और सुबह सुबह रोज मुझे बोलेंगे पक 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 पकाओ, पक 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 पकाओ, मैं पकने जाऊंगी। आपका अगर मुर्गा बॉयफ्रेंड होता भी है, मिलोट पॉइंट बी नोटेड। जी नोट कर रहा हूँ। कल को आपको भूख लगती है तो बॉयफ्रेंड का बटर चिकन भी तो बना सकती हैं आप। आप तो खाने पीने की बात मत ही कीजिए। वकील साहब, इनके मोहल्ले में इकलौती टीचर हूँ मैं, लेकिन इस इंसान ने एक कप चाय का भी मुझे आज तक नहीं पूछा। आप भी बता लीजिए, आपको पूछेगा भी? अक्षय कुमार वो चाय पीते नहीं तो मैं क्यों पूछूं उनसे? लेकिन पूछना तो चाहिए। चाय पियेंगे आप? मैं चाय पीता ही नहीं, आप मेरे बारे में गलत क्यों अफवाह फैला रही? अक्षय जी, वैसे एक बात कहना चाहूंगा, आप बस दो बार ऑर्डर कीजिए, ऑर्डर इज रेडी। और चाय की बात है ना तो चाय मैं आपसे पूछ लूंगी, इसमें क्या है? अब क्योंकि आप आ ही गए हैं तो एक बात कहना चाहती हूँ। विद्यावती आप ये क्या कर रही हैं उनके साथ, बताइए बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू जलता क्यों? तू हमेशा जलता तू। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? मेरे बच्चे है ही नहीं। उनके तो है ना, इतनी खूबसूरत बीवी, उनकी दो बच्चे उनके। अरे तो उनको खतरों से खेलने का शौक पहले से ही है। तो क्या हुआ? वैसे भी क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे कोई परेशानी नहीं। हाँ, कोई भी हीरोइन आती है तुम छोड़ते नहीं हो उसे। पिछले वाले में भी मैंने देखा था, क्या करी हो? मैं एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? ये जूड़े को मैंने... अब मैं बड़ी देर से तुम्हारा साइड ले रहा हूँ, अब तुम तमीज से पेश आओ। मैं बिल्कुल तमीज से। हाँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, ऐसे ऐसे एयर इंडिया की तरह रहो। हाँ पूछो। सर दरअसल इस चूड़ी को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। Very good. अब मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में इसका नाम हो। सर आप यू आर अ वेरी गुड स्टंटमैन, मैं चाहती हूँ जूड़ा पकड़ कर आप घुमाएं, मुझे भी स्टंट सिखाएं, मुझे यहाँ वहाँ फेंकें, मुझे हवा में उड़ाएं। मैं चाहती हूँ इसका नाम दुनिया में हो कि अक्षय कुमार ने इसे उखाड़ा है। आप बावली हो गई। सर मैं विद्या, मैं लोगों को, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाता हूँ, उनके झुंडे पूर दूं मैं। आप अपने नाम बनाने के चक्कर में मेरा नाम बिगाड़ दीजिए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates from Free TV.